एहुचि जगत सिंहपुर जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ सारलांक पीठ मंदिर भीतर बेढ़ा एवं बाहर बेढ़ा टिके भलकरी देखंतु सिंहद्वार मंदिर चारिपाख चंदन पोखरी पाचेरी निर्माण एवं रास्ता प्रशस्तीकरण सबु काम अधा पंतरिया होई पड़ी रही मंदिर सिंहद्वार समेत सबुकिछि भांगी दिया जाइथिबा बेले बाली माटी एवं गुंड पथर खंडरे भरी रही मंदिर चतुर्पाश फळरे एठाकु आसुथिबा श्रद्धालु माने असंतोष व्यक्त करिछंती। गत दुई वर्ष हेबो एठारे रूपांतरीकरण नारे चालिछि काम हेले कोनोसी गोटिए भी कार्य संपूर्ण होई परि नाही। असुविधा मैंने बहुत असुविधा अलिया अपरिष्कार पड़ी बाली माली चारिड़े पड़ी एवं बर्षा दिन आसाने कादो माद हम प्रशासन को अनुरोध जल्दी टे कम टेते दुई वर्ष होगा एमती भांगे पड़ी आते सब कम एम अपरिष्कार पथर पथर पड़ी जिते बाहर भी लोक बाहर जिले में भी आसम जगत सिंहपुर भी आसान बहुत जगह आसो समस्त असुविधा होती छोट पिला बुढ़ा जाए बहुत लोग आस पथर पथर चारिड़े पड़ी बाली फाली पड़ी अपरिष्कार होकर रोचे माँ का मंदिर एत बड़ जेहेतु आम जगत सिंहपुर से अधिताशी देवी जगटा जो परिष्कार पाखापाखि दुई वर्ष है कोटि कोटि टकर सांक्शन से काम गुड़िक बहुत विलंबित होणु ये गोटे ओडिशा प्रसिद्ध नुहे भारत प्रसिद्ध क्षेत्र ये विभिन्न लोक विभिन्न भक्त शह शह संख्यार भक्त आसती कितु ठीक समय काम सरी पारे ना आगे वर्षा काल आसूँ वर्षा हेले ये जगह सब अच्छी खालखमा रही जो आम जो तैयारी कम सब सरी ना तेणु जी मैंने गभीर भाव मानने असंतुष्ट हो एवं खरा दिन गला प्रबल तातिगला एवं बर्षा दिन आसो से कादु मादु हे लोक मैंने बहुत हैरान होता छड़ा आम जो व्यवसायी मैंने ये थे व्यवसाय पत्र कर चलुले से उपयुक्त भाव थैथान कराई से गोटे समस्या ये रही। माँ सारला पीठ रूपांतरण पर राज्य सरकार गत 2022 मसीहा जून मसने 42 कोटी टंका मंजूर करते 18 मस मध्य अर्थात 2023 डिसेंबर मसने काम सर कथा हेले इतिमध्य दुई वर्ष अतिक्रम करते कौन गोटे काम संपूर्ण हो पारिना फल सारला दर्शन पर आसुवा श्रद्धालु मैंने क्षोभ प्रकाश करपर स्थानीय अधिवासी तुरंत काम शेष करने को दावी जनपटे 2015 मसीहा नवकल समय बलभद्र दारू ही पीठर चिह्नट होगापर प्राय 300 दोकान भंगा जाता तीन मस मध्य नुआ घर दिजो प्रतिश्रुति मिले 9 वर्ष पर संभव होना वर्षा पूर्व आवश्यकता अनुसार कार्य शेष करने दावी करवायत 2015 मसीह बलभद्र दारू ठार जापर यह पीठ एक आंतर्जात मान्यता लाभ कला से समय तीन शह रु अधिक दोकानी मानक उठे दिगला और कहगला तीन मस भर आम सुंदर दुकान घर कर विस्थापित मानक थैथान करूँ मात्र ताला ना 2022 मसीह जून 2 तारीख दिन राज्य सरकार तरफ घोषणा कले जे सारला मंदिर रूपांतरण पर माननीय मुख्यमंत्री 42 कोटी टंका आर्थिक अनुदान प्रदान कर 18 मास मध्य प्रकल्प पूर्णांग हेबो एवं सारला पीठ एक सुंदर सौंदर्यकरण सहित यह पीठ आकर्षण पीठ परिणत हेबो मात्र देखा जा 18 मास कौन आज 2024 जून 3 वर्ष पूर्णांग हवा को जाउची आउ ए पर्यंत काम कौन गोटे कार्य हेले पूर्णांग होइने ए संपर्क रे जगतसिंहपुर जिलापाल तथा माँ सारला मंदिर ट्रस्टी अनुपम साहू को पचारिबारु विभिन्न कारण रूपांतरण कार्य विलंब होइथिबा से स्वीकार करिछंती। निर्वाचन प्रक्रिया मध्ये चलीथिला संपृक्त ठिका संस्था को डका जाइछि स्थिति समीक्षा कराजिबा सहित कार्य त्वरान्वित हेबो बोली कहिछंती। सारला मंदिर कैंपस भितर आमर वर्तमान रिनोवेशन कार्यक्रम चली 2022 रु प्रक्रिया जारी रही तार टंका मध्य आसला और ओबीसीसी जरिया रे आमर एग्जीक्यूशन होउछि ड्यू टू सम रीजन्स आमर टिके प्रोसेस स्लो हो जाइछि इलेक्शन प्रक्रिया भी थिला वर्तमान इलेक्शन सरी जाइछि आम एग्जीक्यूटिंग एजेन्सी को रिव्यू पई डाकिछु जहाँ भी बॉटलनेक्स अछि ताको आइडेंटिफाई करके काम को स्पीड करा जीवो। हाँ तो 2015 रो कथा आपनो कहो जंती से टाइम रे कौन कमिटमेंट थिला एवं कौन नहीं सेटा हमें आमर देखिकी जहाँ भी एज पर आवर एंडाउमेंट एक्ट अच्छी आउ जहाँ भी आमर किसी जदि अच्छी मैंने रिटर्न कमिटमेंट दिखाई कि कौन अरेंजमेंट कराई आधार करी विल टेक ए डिसीजन। 5G रे मंदिर स्थान पाइबा परे अंचलवासी मंदिर विकास को नहीं खुशी व्यक्त करते हेले एबे ताहा जेमिति मिलई जाइछि
जगतसिंहपुर शशांक शेखर पंडा रिपोर्ट।